हेलो करो। हेलो गाइस, तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। अभी हम लोग बाहर आ रखे हैं घूमने के लिए। तो गाइस, अभी हम झील के पास आ गए हैं। और जैसे कि हमने आपको अपनी वीडियो में पहले ही बताया था, हम आएंगे यहाँ पे तो ब्रेड लेके आएंगे। तो आज हम बड़ा पैकेट ब्रेड का लाए हैं और अभी हम गाय को खिलाएंगे। यहाँ तो काफी सारी गाय है, डेयरी कितनी सारी गाय, उधर भी है बहुत सारी। तो गाइस, ये तो काफी बड़ी गाय है, तो हम सोच रहे छोटे बच्चे वहां पे, उनको छोटे बच्चों को खिलाते हैं। ये रे गिट्टू दीदी, कितने सारे बच्चे। हाँ, एक मिनट फाड़ रहे। सब आ गई सिंग वाली गाय, ब्रेड दे के भाग गया। हाँ, ओ भाई आंखें देखिए कैसी लग रही है, खतरनाक। कलो भैया, हम आपको एक चीज दिखाते हैं। अभी हम लोग स्कूटी पे जा रहे थे और ये तो शाना है, स्कूटी पे चलते चलते ही सो गया। कितना क्यूट लग रहा है और उतर भी नहीं रहा था। हमने बोला आ जाओ पीछे बैठ जाओ, क्या है किड्डू दीदी गोदी में आ जाओ, नहीं स्कूटी पे सोना और स्कूटी पे ऐसे सो गया। तो गाइस, आज मैं और किड्डू दीदी जा रहे हैं पैडल करवाने। अभी हमने दिखाया थोड़ी देर पहले, शाना स्कूटी पे सो गया था तो वो घर पे अभी सो रहा है और मैं और किड्डू दीदी पैडल करवाने जा रहे हैं स्कूटी पे। क्या तो वेदर बहुत, हाँ वेदर तो ठीक है आज का, बारिश अब कहाँ हो रही है, सब लोग शिकायत कर रहे हैं। दिल्ली में मॉनसून के टाइम पे भी बारिश आके आ गए और अभी हम यहाँ पे घर वालों के लिए पिज्जा ले रहे हैं। तो गाइस, ये यहाँ पे एक स्टॉल लगता है, बहुत अच्छा इसका पिज्जा मिलता है, हमने पहले भी खाया है। तो आज हम चारा जी को ट्राई कराएंगे फर्स्ट टाइम। चारा जी नहीं खाते कहीं से भी, लेकिन हमने बोला है अच्छा है काफी, तो खा के देखो, डोमिनोज से तो काफी अच्छा है। तो गाइस, ये देखिए, तो गाइस ये हमारे पिज्जा भी रेडी हो रहे हैं। बहुत अच्छा है, डोमिनोज वगैरह सब तेल है, ठीक है। इसका ब्रेड लेवल बहुत हल्का है, इसका ब्रेड इतना मोटा होता है और इसमें चीज़ बस ऑटो अपना ऑटोफिल है, अपने आप उन्होंने डाल के दिया। और बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी। तो टाइम भी उसने यही कहा था, याद है जब हमने पिछली बार में लेकर आई थी। हाँ, तो हम कामयाब हो गए। हाँ, अच्छे से मंगाएगा सस्ता सुंदर टिकाऊ और टेस्टी। हाँ, अब हम अपने गेम जोन में एंटर कर चुके हैं। ये और काफी टाइम बाद हम अपने गेम जोन में आए हैं और ये भी नहीं पता किट्टू इतने लेटी हुई है। क्यों लेटी हुई है? क्या आलसी बन गई है किट्टू? क्यों बन गई है आलसी किट्टू? अरे बताओ एक ही चीज, कभी जब कोई मम्मा काम बोलती है ना पेट में दर्द है चाची जी, और जब कोई और काम तब भी मारू नौटंकी है ना। हाँ। वीडियो बंद करना एक बार, बहुत नौटंकी करती। नहीं बोलो ना वीडियो में ही बोलो ना। नहीं नहीं वो पीछे से बोल तू तो पूरे दिन बोलता था मम्मा खाने के टाइम में पेट बंद करने दो रहे, 3 घंटे खाने में लगाते हैं। वीडियो ऑन हो रही है तो
चलो आओ, अब आज का क्या गेम है? ऑड इवन। आज के गेम का नाम है ऑड इवन। ओके भाई, कौन समझाएगा गेम के रूल्स? तो गाइस, हम अपना ये डाइस ऐसे थ्रो करेंगे। अगर हमारे डाइस में आया है अभी एक, अगर ऑड नंबर आएगा तो हम स्पून के पीछे हिस्से पे एक पॉइंट रखेंगे ऐसे, और जब अगर आएगा जैसे कि अभी मेरा आया दो, तो मेरा इवन नंबर आया, तो हम इसको पॉइंट को आगे रखेंगे स्पून के आगे वाले हिस्से पे, और ऐसे करके हमें 10 चांस दी जाएगी। हर एक प्लेयर को 10 चांस मिलेगी, और उससे हमें जब 10 चांस के बाद हम आगे वाले कॉइन्स को काउंट करेंगे, पीछे वाले कॉइन को हटा देंगे। जिसके आगे वाले कॉइन सबसे ज्यादा होंगे वो विनर होगा आज के गेम का। मेरा ऑर्डर है, गेम स्टार्ट करते हैं अब हम। तो पहले खेलेंगे बिटवीन द फ्रेंड्स। नो, बिटवीन द सिस्टर। आज पापा बुला रहे हैं, कह रहे हैं गुगी कहाँ गया। हाँ, पापा बुला रहे हैं आपको, झंडे ले जा रहे हैं। हमारे घर का आतंकवादी है छोटा सा, ले गया वो कैमरा मैन को, ले गया इसे खींचा ही नहीं जा रहा है। हो गया, मेरी सीट लेके चला गया। चलो सिस्टर्स, दीदी अब आप गेम स्टार्ट करो। सही है। ये गेम एक्चुअली प्योर लक पे काम कर रहा है, है ना? इस पे इतनी मेहनत आपकी खुद की नहीं है। तो गाइस, अभी आप जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पे एक और जगह आ गया है और नंबर, और यहाँ पे अब कौन सा है? इवन। और आगे चीटिंग करनी, बड़ी जल्दी समझ में आई है इनको कि भाई मेरे सिक्के आगे ज्यादा होने चाहिए। बस
ऐसे अच्छे पहले वाली में ही था ना नंबर में फाइव और नंबर बहुत सारे चलो आप भी खुद को भी करे ऐसे तो गाइस अभी हमारा डिनर टाइम हो चुका है तो आज हमारे डिनर में है दाल चावल। जैसे कि आपको पता है हाविश का एक प्रोजेक्ट था ये आज हमने कंप्लीट कर दिया। कल हमने इसमें ट्री नहीं बनाया था तो आज हमने कर लिया कंप्लीट, ये हो गया। और हाविश का दूसरा प्रोजेक्ट है उसमें हमें एक फेस मास्क बनाना था, तो हम एक एनिमल का बनाना था कोई भी फेस मास्क, तो मैंने ये रैबिट का चूज़ करा। तो अभी मैंने ये रैबिट का बना तो लिया लेकिन अब मैं इसके अभी इतना मैंने पेपर से बनाया, अब इसके नीचे मैं कार्डबोर्ड का सपोर्ट दूंगी कि वो एकदम भारी हो जाए। और अभी हम इसकी शेप लेके इसको कट करेंगे और उसके बाद इसके साथ चिपका देंगे। आई होप गाइस आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी, ऐसे ही हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और ज़्यादा से फैला दीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।